गुड मॉर्निंग, आई वेलकम यू टू लर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन। सबसे पहले तो हम सॉरी करना चाहेंगे कि कल आप लोगों का वीडियो मैं नहीं अपलोड कर सका। मेरी अपनी कुछ बिजी शेड्यूल्स थे जिसके कारण कल ज़्यादा बिजी हो गया और मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो आइए, आज 8th of September है, तो आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि कल मैंने आप लोगों को एक चैलेंज दिया हुआ था। चैलेंज को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने पूरा किया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कि सही जवाब दिया, जैसा है वैसा ही रहने दो। लेकिन जो सबसे तेज जवाब दिया था वो रुपेश कुमार का था। रुपेश कुमार ने बनाया था लेट इट बी एज इट इज़। हालांकि बी का उनका मिसटाइपिंग हो गया था। उन्होंने रिप्लाई करके फिर अपने मिसटाइपिंग के बारे में बताया है अपने कमेंट बॉक्स में। लेकिन चूंकि उन्होंने एडिट नहीं किया, क्योंकि एडिटेड जो कमेंट्स होते हैं वो मान्य नहीं होते हैं। तो आप लोग कहते हैं कि मैंने भी सही जवाब दिया, कई सारे लोगों का कमेंट आता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो सबसे तेज़ कमेंट मेरे यहाँ दिखता है, सेकंड्स तक का जो अंतर होगा आप लोगों में वो मेरे यहाँ शो करता है, उसके हिसाब से सबसे तेज़ कमेंट का मैं सिलेक्शन करता हूँ। तो रुपेश कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज का आपका चैलेंज है, तुम महान के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। ये आपका चैलेंज है, आप इसको ट्रांसलेट करो एंड द कमेंट बॉक्स इज वेटिंग फॉर यू। तुमको मुझसे पूछना चाहिए था, ये आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। यू शुड हैव आस्क्ड मी, चाहिए था। जब भी कार्य कोई होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो आप शुड लगाओ, हैव लगाओ और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, वो आपका वाक्य बन जाएगा। जाना चाहिए था, खाना चाहिए था, हंसना चाहिए था, रोना चाहिए था, ऑल दीज सेंटेंसेज कैन बी ट्रांसलेटेड ऑन दिस स्ट्रक्चर। मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता हूँ, ये आपका सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ, कॉम्बैट, मुकाबला करना, विद यू, तुमसे। आई वॉन्ट टू कॉम्बैट विद यू, मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता हूँ। ये सब कैसे हुआ, हाउ डिड दिस ऑल हैपन। ऑल का यूज़ आप यहाँ पर करेंगे वर्ब के पहले, और दिस के साथ ऑल लगा देते हैं तो ये सब हो जाता है। हाउ डिड दिस ऑल हैपन, आप दिस का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दिस प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होता है। तुम्हारी सफलता का राज क्या है, What's the secret of your success? सफलता का राज, ऑफ लगाना पड़ेगा इसमें, आप लोगों ने प्रेपोजिशन में पढ़ा होगा। What's यानी कि what is the secret of your success? जब से हम मिले हैं तब से 7 वर्ष बीत चुके हैं। तो पहले आप क्या करेंगे कि पहले आप इसको बनाएंगे, 7 वर्ष बीत चुके हैं, तब ये जब से और तब से के लिए बीच में हम सिंस लगाते हैं और तब इधर वाले सेंटेंस को बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ये है विद्यार्थी, कि इधर वाले सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, बीच में सिंस लगाएंगे और इधर वाले सेंटेंस को सिंपल पास्ट में बनाएंगे। तो अगर हम बनाएं तो 7 ईयर्स हैव लगा दिया प्रेजेंट परफेक्ट में, गॉन बाई यानी कि बीत चुके हैं, सिंस लगाना पड़ता है बीच में जब से और तब से के लिए, और इधर सिंपल पास्ट में जाएगा। ये दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट लेकिन बनेगा वी मेट, वी हैव मेट आप लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। किसी का बुरा ना चाहो, नेवर थिंक इल ऑफ एनी वन। थिंक इल ऑफ, किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा चाहना, नेवर लगा दिया क्योंकि हम इसमें जोर डालना चाहते कि कभी भी किसी का बुरा ना चाहो या किसी के बारे में बुरा ना सोचो। तुमसे दोस्ती करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मेकिंग फ्रेंडशिप विद यू, मेक फ्रेंडशिप विद का मतलब होता है किसी से दोस्ती करना, यू मतलब तुमसे। मेकिंग फ्रेंडशिप विद यू यानी कि तुमसे दोस्ती करना वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक, मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब आप कहोगे यहाँ पर यू है और यहाँ पर वॉज लगा दिया मैंने, तो यू के लिए वॉज थोड़े ना लगा है। यहाँ पर वॉज का जो मेन सब्जेक्ट है वो मेकिंग है और यहाँ पर मेकिंग जीरंड है जो कि सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो मेकिंग के लिए यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ है। मेरे साथ धोखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि मेरे साथ धोखा किया गया है यानी कि पैसिव। आई यानी कि मुझे, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट में बीन लगाया पैसिव के कारण। डिसिव्ड मेरे साथ यानी कि मुझे धोखा दिया गया है। आपके कितने बेटे हैं, कितने बेटे यानी कि कितने के बाद प्लूरल नाउन आ गया, कितने के बाद प्लूरल नाउन आता है तो हाउ मैनी लगाकर और प्लूरल नाउन लिखा जाता है। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हाउ मैनी सन्स यानी कि कितने बेटे, डू यू हैव यानी कि आपके पास है। ऐसे वाक्यों में हैव यू ना लिख कर अगर डू डज लगाकर और तब जाकर हैव यहाँ पर लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे शी रहता तो डज शी हैव हो जाएगा, डू आई हैव हो जाएगा, डू वी हैव होगा। डू या डज यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाकर यहाँ पर हमेशा हैव का प्रयोग करें आप। काश तुम मेरे होते,
काश के लिए मैंने शायद आप लोगों को पहले बता रखा है, आई विश यू आर माइन। जब भी कोई इमेजिनेशन वाला सेंटेंस होगा ना, तो आप हर सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ करोगे, हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे यहाँ आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, कुछ भी वर लगाओ। और यू कैन सी इन दिस सेंटेंस, आप इमेजिनेशन फील कर रहे हो, काश तुम मेरे होते, मेरे हो नहीं, मेरे होते, पिंजरे में तोते हैं, ऐसे सेंटेंसेज आप देयर पर ट्रांसलेट करते हो, बिकॉज इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है। देयर आर पैरट्स, यानी कि तोते हैं, इन द केज, यानी कि पिंजरे में। लिखना और बोलना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो दोनों का जो भी पैटर्न बनता है, दो चीज़ें जब भी आती है, तो शुरू में बोथ लगाया जाता है, उसके बाद दो चीज़ों को एंड से जोड़ा जाता है, राइटिंग एंड स्पीकिंग, लेकिन पहले बोथ होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर बोथ लगाएंगे तो गलत होगा। बोथ राइटिंग एंड स्पीकिंग आर, यानी कि है, डिफरेंट थिंग्स, यानी कि अलग अलग चीज़ें। बोथ राइटिंग एंड स्पीकिंग आर डिफरेंट थिंग्स। डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, डर यानी कि फियर इज होता है आवर, हमारा बिगेस्ट, सबसे बड़ा एनिमी, दुश्मन। डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अन्याय के खिलाफ कभी चुप मत बैठो, नेवर बी साइलेंट, यानी कि कभी चुप मत रहो या चुप मत बैठो। अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी कि अन्याय के खिलाफ। यह आपका आज का ट्रांसलेशन हो गया। होपफुली आप लोग जब भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप स्पेशल सीख रहे हैं। अगर आपको रियलिटी में इंग्लिश बोलने की चाहत है, सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने अंदर पैशन ले आना होगा, चाहत ले आना होगा। और यदि एक बार आपके अंदर कोई चीज़ पाने की चाहत आ जाए ना, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपकी होगी। इंग्लिश क्या चीज़ है, इंग्लिश बोलना कौन सी बड़ी बात है। सो आइए हम दोनों लोग साथ रहते हैं, मुलाकात करते हैं और इंग्लिश के माध्यम से रोज़ मिलते हैं वीडियो के माध्यम से, और आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।